जोहर कर नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर कर नारा है, भारत देश हमारा है। अभी ये अमराई है, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां पर देश भर के आदिवासी जुटे हैं अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग को लेकर। आदिवासियों का बुनियादी तौर पर यह मानना है कि ये धर्म कोड उनकी पहचान को बचाने में काफ़ी मदद करेगा। यहाँ पर आए हुए हैं कुछ आदिवासी प्रतिनिधि, जिनमें झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं। हमने उनसे बात की है ताकि उनके मुद्दे को हम बेहतर समझ सकें। संविधान के आर्टिकल 25 में प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन अभी तक इस संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत भारत देश में, चूंकि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो इसीलिए अलग अलग धर्मों को धर्म कोड मिला। एक तो हिंदू मिला, हिंदू धर्म कोड, तो ईसाई को मिला, एक इस्लाम को मिला, सिख धर्म को मिला, बौद्ध को मिला, जैन को मिला। हम आदिवासी कहाँ हैं? देश में 751 जनजाति है, और 751 जनजाति में किसको किसको धर्म कोड देगा? कोई सरना बोलता है, कोई भीली बोलता है, कोई गौड़ बोलता है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के आदिवासियों को एक होकर के आदिवासी धर्म कोड की मांग करनी चाहिए, ताकि आदिवासी एक सूत्र पर बंधे रहें। हर व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी है, और इस देश में धर्म भी एक आइडेंटिटी है। ऐसे में जब हम लोग आदिवासियों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आज़ादी के साथ ही आदिवासियों की जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी उसको छीन लिया गया था, और उनमें हम देखते हैं कि इसीलिए कुछ आदिवासियों को क्रिश्चियन की कैटेगरी में रखा गया, कुछ जो है इस्लाम की कैटेगरी में है, कुछ जो ने बौद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ को ज़्यादातर को जो है हिंदू कैटेगरी में रखा गया। ऐसे में यहाँ जो आइडेंटिटी के असर्शन की मांग है, ये वो आइडेंटिटी असर्शन की मांग है कि भाई हमें आज़ादी से पहले हमारी एक ही पहचान थी, वो थी आदिवासी की पहचान। अब क्योंकि रिलीजन के कैटेगरी, जब हम हिंदू और रिलीजन कैटेगरी में डालते हैं, तो आदिवासी कोई जाति नहीं है। जो इस तरह से कहते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, तो उसको इस देश का, इससे जो धरती है हमारी, जो हमारा इंडिया है, वो इंडिया के जो मूल बीज कहना चाहिए, जो मूल बीज है ये आदिवासी है, और आर्यंस जो आए हैं उसके बाद से यहाँ सनातन धर्म या हिंदू धर्म ये आया हुआ है। तो फिर हम कैसे मान लें कि हम हिंदू हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्लियर किया हुआ है पूरा पूरा एविडेंस के साथ में, और भौगोलिक जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, डीएनए भी हमारा यहाँ का लोकल है, ये भी प्रूफ हो चुका है। लेकिन पार्टी राजनीतिक जो लाभ लेने के लिए, हमें अपने पक्ष में रखने के लिए हो, या फिर उनका जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य ये भी है किसी पार्टी, किन पार्टियों की, कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये भी एक उनकी संकल्पना है। तो वो संकल्पना के आधार पर देश में आज हम मानते हैं अपने आप को कि 15 से 20 करोड़ इस इंडिया में हम लोग हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को अपने साथ में लपेटने के लिए ये लोग हमें अलग धर्म कोड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि संविधान में तो वैसे भी हमें अलग पहचान दी गई है। हमारी रीति रिवाज, परंपरा, हमारा जो कस्टमर इला है, वो सारे समाज से जुदा है, और उसको संविधान में एज इट इज़ पूरा पावर दिया गया है, और एकदम पृथक रखा गया है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमें इस प्रकार का जो हमारे साथ में जो ये हो रहा है कि हमें जनगणना अलग से नहीं कराई जा रही, ये हमारे लिए बहुत विडंबना की बात है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसको लेके हम लोग आए हुए हैं। और क्योंकि हमें हमारी जो जनसंख्या है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही कि हम कितने हैं। अब जो ये जिस तरह की कयावा चल रही है कि आदिवासी को हिंदू बनाने की, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हुए 7वां कोड जो है आदिवासी कोड बने, और इसके लिए जो है हम लोग इसकी मांग को लगातार उठा रहे, क्योंकि अभी 2022 का सुनने में आया है कि आखिर में, नहीं तो 23 की शुरुआत में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। तो केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि प्रपत्र में हमारा जो हो शामिल हो। देखिए, क्योंकि अभी 10.5 करोड़ के हिसाब से 7.6 हमारा परसेंटेज बनता है, तो आरक्षण भी हमारा उसी स्तर से ही निर्धारित हुआ है, और नीतिगत फैसले और जितनी भी योजनाएं हैं उसी आधार पे ही बनती हैं, जबकि 15 करोड़ के हिसाब से हमारा कहीं ज़्यादा प्रतिशत बनता है, और जो है 10 से ऊपर जाएगा, 10 से 11 प्रतिशत हमारा बनेगा, तो फिर नीतिगत फैसले भी उसी हिसाब से बनेंगे, और जो आरक्षण भी हमारा उसी से तय होगा। इस देश में अगर आज ट्राइबल्स के लिए संवैधानिक रूप से जो बजट पेश होता है, जिसको ट्राइबल सब प्लान का पैसा बोला जाता है विकास के लिए, वो जनसंख्या के आधार पे होता है। अगर इस देश में हमारी जनसंख्या ही हमारी स्पष्ट नहीं है, तो किस आधार पे आप बजट दे रहे हैं?
आज सरकार हमारे को डाटा के हिसाब से 8 से 8.5 करोड़ का बजट दे रही है, एक्चुअल में हम कितने हैं 15 से 20 करोड़। तो आप ये बता दीजिए कि हमारे विकास में कितना पैसा आ रहा है, आधा से भी कम आ रहा है। तो हमारा एजुकेशन, हमारा रिजर्वेशन, हमारा प्रेजेंटेशन जो है, हमारा व्यवसाय है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो भी हमारी जो योजनाएं बनती है उसका जब बजट पेश होता है तो वो 8.5 करोड़ के हिसाब से होता है, और हम 20 करोड़ हैं तो हमारे साथ अन्याय है ना, कितना बड़ा बजट हमारा रह जा रहा है।